इंसानी दिमाग से जुड़ी दिक्कतों और उसके विकास के बारे में नई समझ बनाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया है जो काफी चर्चा में है। दरअसल इस प्रयोग के तहत वैज्ञानिकों ने नवजात चूहों के दिमाग में इंसानी दिमाग के सेल्स ट्रांसप्लांट किए। अब वैज्ञानिकों के लिए इन चूहों के दिमाग जीती जागती प्रयोगशाला होंगे, जहां वो प्रयोग किए जा सकेंगे जो इंसानों पर करना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक वे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए नई दवाओं और जीन थेरेपी का टेस्ट करने के लिए भी कर सकेंगे। ये प्रयोग कितना सफल होता है ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इस बीच एक नैतिक बहस भी जारी है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि ये चूहों के प्रति निर्दयता है,